अमेरिका में वोटों की गिनती जारी है, दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान की नजर अमेरिका के चुनावी नतीजों पर है। आपको बता दें कि अभी जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से आगे हैं, लेकिन अभी कई राज्यों के नतीजे सामने आने हैं, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बताया जा रहा है 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, लेकिन क्या ये अमेरिका में चुनावी नतीजों का मामला वहां की अदालतों तक पहुंचेगा, क्योंकि इसका टोन पहले से ही दोनों ने सेट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा था कि अभी से ही धांधली का उन्होंने आरोप लगा दिया है, इधर बाइडेन आश्वस्त दिख रहे हैं कि वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और ये पूछें कि चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप बने या फिर जो बाइडेन, किसके राष्ट्रपति बनने से हिंदुस्तान को है ज्यादा फायदा, या फिर रिश्तों में वही एक स्टेबिलिटी यानी एक समानता रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे मुल्क को हमेशा अपनी तरफ रखना चाहेगा अमेरिका, खास तौर पर जब चीन से रिश्ते इतने कठोर हो चुके हैं। आइए सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। We were getting ready to win this election. We believe we're on track to win this election. We will win this. We're feeling good about where we are. We were getting ready for a big celebration. Keep the faith, guys. We're going to win this. We were winning everything. Donald Trump या Joe Biden, अब की बार कौन होगा White House का Big Boss? Republican या Democratic, किस पार्टी को मिलेगी अमेरिका की सत्ता? दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप या फिर जो बाइडेन की होगी जीत? अभी इन सवालों का जवाब मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। अमेरिका में वोटों की गिनती जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये साफ होता जा रहा है कि टक्कर कांटे की है, लिहाजा दोनों नेता अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं। We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. फिलहाल ट्रंप अपने विरोधी से पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ प्रमुख राज्यों से नतीजे आने बाकी हैं। मुमकिन है ट्रंप आगे निकल जाएं। हिंदुस्तान में ट्रंप के लिए हवन पूजन भी हो रहा है। प्रयागराज में संगम किनारे बने मंदिर में बजरंगबली से ट्रंप की जीत के लिए खास पूजा अर्चना की जा रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है और डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता भारत के साथ बहुत गहन है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीत करके आते हैं तो भारत निश्चित तौर पर विश्व स्तर पर बहुत मजबूत बनेगा। दरअसल 2016 में ट्रंप की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका समीकरण हिंदुस्तान के लोगों को खूब भाया। कूटनीतिक स्तर पर भले ही ट्रंप ने भारत को परेशान करने वाले कई फैसले किए, लेकिन दोनों नेताओं की गर्मजोशी ने हमेशा रिश्तों के मजबूत होने के संकेत दिए। मुझे खुशी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप में भारत और अमेरिका की फ्रेंडशिप और अधिक गहरी हुई है। ए ग्रेट चैंपियन ऑफ इंडिया, अ मैन हु वर्क्स नाइट एंड डे फॉर हिज कंट्री, एंड अ मैन आई एम प्राउड टू कॉल माय ट्रू फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने रिपब्लिकन के गढ़ माने जाने वाले टेक्सास में हाउडी मोदी कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया था। उस कार्यक्रम में ट्रंप और मोदी की गजब की जुगलबंदी दिखाई दी थी। I am so thrilled to be here in the great state of Texas with one of America's greatest, most devoted and most loyal friends, Prime Minister Modi of India. Thank you. भारत को लेकर अमेरिका की दोनों पार्टियों की अपनी अलग अलग नीतियां रही हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपने तरीके से दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की है। बराक ओबामा पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने दो बार भारत की यात्रा की। ओबामा के साथ भी पीएम मोदी के शानदार रिश्ते थे। पीएम मोदी उन्हें बराक कहकर संबोधित करते थे। मेरे परम मित्र ओबामा का बहुत बहुत आभारी हूँ। 2016 के अमेरिकी चुनाव में भारतीय मूल के 71% वोटरों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को वोट दिया था। शायद यही वजह है कि ट्रंप ने हमेशा भारतीय वोटरों को लुभाने की कोशिश की
और पीएम मोदी के साथ अच्छे रिश्तों के संकेत दिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना भारत और भारतीयों के हक में नहीं होगा? He perhaps will be more liberal in giving green cards on merit and giving permission for students to work. मुमकिन है पाकिस्तान और चीन के खिलाफ ट्रंप का सख्त रवैया हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को उनके प्रति खींचता हो, लेकिन ये हकीकत है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी बने, भारत की ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्र प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। अनिल त्रिगुनिया साहब, पूर्व डिप्लोमैट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवनीत चुग, जो कि यूएसआईएनपीएसी कैलिफोर्निया चेयर है, फ्रेंड ऑफ कमला हैरिस आप उन्हें कह सकते हैं, करीबी हैं। डॉक्टर श्रीराम सुंदर चौलिया साहब, वर्ल्ड अफेयर्स के एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, आपके साथ शुरुआत करते हुए, नमस्ते ट्रंप, और फरवरी से आते आते देखिए बीते रात डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का ट्वीट, जिसमें उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान को दिखाया उसको लेकर एक सवाल उठा कि ये क्या। और लगातार हमने देखा है पिछले दिनों ट्रंप ने भी कई बार, चाहे वो हवा का जिक्र हो इंडिया के, कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिसने लोगों को आहत किया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी तो बहुत ही नाजुक मोड़ है, जबरदस्त टक्कर है, अभी कोई भी इसे कॉल आउट नहीं कर सकता है कि ट्रंप जीतेंगे या फिर बाइडेन, कांटे की टक्कर है, जो मेल बैलेट से उनको उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, कोर्ट तक मामला जा सकता है। किसका राष्ट्रपति बनना हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद रहेगा, या फिर हम ये कहें कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जिसके साथ रिश्तों में समानता कोई भी, चाहे वो राष्ट्रपति बने, रखेगा? देखिए अंजना जी, पहली बात तो है, मैं अपने मुल्क, अपने देश हिंदुस्तान को सलाम करता हूं। मैं अमेरिका के इस चुनाव को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूं, और आपको जान के आश्चर्य भी होगा, पिछली बार के ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के चुनाव को आईवीएलपी के प्रोग्राम में सार्क देशों में से मैं भी एक वहां व्यक्ति मौजूद था, मैं भी काउंटिंग रूम में था, मैं भी उनके चुनाव के ऑब्जर्वर के रूप में वहां मौजूद था। मैंने देखा कि हम कहते हैं कि अमेरिका का जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मगर जो परिपक्वता और जो विराटता हिंदुस्तान के लोकतंत्र में है, हमारे वोटर्स में है, हमारे नेताओं में है, वो परिपक्वता मैं आज बिल्कुल दिल से कह रहा हूं पूरे विश्व में नहीं है। देखिए हमारे यहां चुनाव बहुत अच्छे से होते हैं, हम चुनाव से पहले कुछ भी बोल रहे होते हैं, किंतु चुनाव के नतीजे स्पष्ट रूप से आते हैं और चुनाव के बाद हम नतीजों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तू मैं थोड़ा बहुत वो राहुल गांधी ईवीएम इत्यादि पर ठीकरा फोड़ते हैं, किंतु अंततोगत्वा जो जनता होती है वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात है, देखिए आपने अमेरिका के चुनाव को लेकर पूछा कि भारत के लिए अच्छा क्या होगा। आज का जो हिंदुस्तान है, ये जो नया हिंदुस्तान है, एक हिंदुस्तान पहले होता था, हमें लगता था हम अमेरिका के नीचे झुके हुए हैं, हम दबे हुए हैं, अमेरिका डिक्टेट्स अस, वो हमें डिक्टेशन देता है। आज वो हिंदुस्तान की परिस्थिति नहीं है। आज मोदी जी का ये जो नया हिंदुस्तान है, आज इस हिंदुस्तान की ऐसी परिस्थिति है कि कोई भी देश, केवल अमेरिका ही नहीं, कोई भी यूरोपियन कंट्री, कोई भी देश हमारे मुल्क को एंटागोनाइज नहीं कर सकता है। आज वो इक्वल पार्टनर बन के हमारे साथ चलना चाहेगा, और वो चाहेगा कि वर्ल्ड फोरम में इंडिया जिसके साथ है वो कंट्री भारी भरकम नजर आता है। और मोटा मोटी रूप से देखिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे ओबामा जी हो चाहे ट्रंप जी हो, दोनों के साथ जो इक्वेशन नरेंद्र मोदी जी का देखने को मिला है, हमें हमारे देश में विपक्ष ने हग प्लोमसी कह के चिढ़ाने की कोशिश तो की है, मगर ये हग प्लोमसी पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। और मैं एक न्यूट्रल पार्टिसिपेंट होने के नाते कहूंगा, चाहे ट्रंप हो चाहे बिडेन हो, चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, जीत इंडिया की होगी। ठीक है, मैं चुग साहब आपके पास अब एक बार आना चाहती हूं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, क्या फीडबैक आप देंगे जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं? जो हम लोगों को यहां से समझ में आ रहा दिख रहा है वो शुरुआती दौर में जो बाइडेन आगे जरूर है, लेकिन जो रवैया डोनाल्ड ट्रंप का दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है, आप क्या कहेंगे? मामला कोर्ट तक पहुंचना नहीं चाहिए। मैं ये अग्री करता हूं कि इंडिया की जीत है। अगर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बन जाए तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है।
इंडिया की इमिग्रेशन के लिए भी अच्छा है. डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंट वीडियो ओके ओके सो ठीक है. जी बोलिए, आपका वीडियो नहीं आ रहा था. जी बोलिए, अपनी बात पूरी करें मिस्टर चुक. हाँ, और आप इमिग्रेशन पॉलिसीज की बात करें कि इंडिया को फायदा होगा, तो क्या टैंजिबल वो चेंजेस ला सकती हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेके, जो कि आप कमला हैरिस को अच्छे से जानते भी हैं और आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स के लिए जीत की संभावना दिख रही है आपको, क्या वो टैंजिबल कर सकती हैं जिससे भारत को फायदा होगा, भारतीयों को फायदा होगा? सबसे पहली बड़ी बात है कि अमेरिका में इंडियंस 1.2% कंट्री के हैं, बहुत बहुत स्मॉल माइनॉरिटी है. किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता है आराम से कि कोई 1-2% वाली जो कम्युनिटी हो उनका कोई प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन जाए. ये इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, बहुत इमेज बढ़ेगा पूरे इंडियंस का. 1.3 बिलियन इंडियंस पूरे दुनिया के, ये बहुत प्राइड मोमेंट होगा कि अपनी एक इंडियन बहन सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी की वाइस प्रेसिडेंट बन गई है. और जो बाइडेन ने ये भी कहा है कि वो अगली बारी 2024 में प्रेसिडेंट के लिए नहीं खड़े होंगे, कहने का मतलब जो अब वाइस प्रेसिडेंट है वो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे प्रेसिडेंट बनने के लिए. और इंडिया की वुमेन्स पॉपुलेशन, इंडिया की यंग गर्ल्स के लिए इतनी अपलिफ्टमेंट होगी, इतनी खुशी होगी उनको कि कुछ भी काम वो दुनिया में कर सकती हैं. अगर एक इंडियन लड़की अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बन सकती है तो ये बहुत बड़ी बात है. पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत इमिग्रेशन के ऊपर कंट्रोल्स रखे हुए थे और बहुत टाइटन किया हुआ था, और ये भी बोल रहे थे कि हम बहन भाइयों और पेरेंट्स और बच्चों को आने नहीं देंगे इंडिया से या फॉरेन कंट्रीज से. और जो इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं अमेरिका में, उनकी भी हालत ठीक नहीं है क्योंकि उनको ग्रीन कार्ड मिलने के लिए 10 साल 12 साल 14 साल लगते हैं. सो वो भी काम ठीक होने वाला है, और हमारी उम्मीद है कि नई एडमिनिस्ट्रेशन विल बी मोर कंसिडरेट, और थोड़ा उनका दिल ज़्यादा है और थोड़े से लिबरल हैं, और उनकी कोशिश यही होगी कि फेयर इमिग्रेशन हो. ठीक है, ठीक है. डॉक्टर चौलिया, अब आपके पास आते हुए, क्या डॉक्टर चुग मिस्टर चुग थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं क्योंकि वो अभी से ही नई एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, और आप इस वक्त पूरी तस्वीर को कैसे देखते हैं, और हिंदुस्तान के हक में किसकी जीत हो सकती है? अंजना, रुझानों के हिसाब से तो लग रहा है कि बाइडेन आखिर जीत जाएंगे, और अगर नहीं जीते हैं तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा. तो जी हाँ, हमें तैयारी करनी है. मुझे लगता है कि मोदी जी, डॉक्टर जयशंकर, हमारी जो पूरी टीम है एमईए की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सभी जागरूक हैं इस विषय पर, और पहले से ही मंथन चल रहा है इस विषय पर कि हम अगर व्हाइट हाउस बदलता है हाथ तो हमें किस तरह की नई रणनीति अपनानी चाहिए. एक हद तक सही है, संबित पात्रा जी ने सही कहा कि चाहे जो भी जीते, हमारी जो सामरिक जो साझेदारी है वो लगातार बढ़ती जाएगी. लेकिन इन दोनों कैंडिडेट्स में काफी फर्क है, और इनकी जो अप्रोच है, जो अंतरराष्ट्रीय विषयों के से निपटने का जो इनका तरीका है, उसमें काफी फर्क है. तो इसलिए हमें ये देखना है कि कहां कहां पर कन्वर्जेंसेस, कहां कहां पर हमारी जो हित हैं वो जो बाइडेन की सोच से मिलते जुलते हैं. तो इसी पर मैंने एक लेख भी लिखा है हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स में, ये कहते हुए कि अगर बाइडेन जीतते हैं तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए भू राजनीतिक जो कन्वर्जेंस जो हमारी रही है वो और बढ़े, और तालमेल ज्यादा बढ़े, क्योंकि चीन, आप जानते हैं अंजना, सबसे बड़ा खतरा अभी हमारे लिए चीन ही है, और इसे अगर रोकना है, इसे पीछे धकेलना है, तो अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही अहम है. तो इसमें जो बाइडेन कुछ हद तक नरम रवैया अपना सकते हैं ट्रंप के मुकाबले चीन की तरफ, लेकिन हम चाहेंगे कि वो ये जो मल्टीलैटरल कोलिशन, जो हम कहते हैं बहुपक्षीय एक जोड़ीदारी बने, तो इस पे अगर हम काम करें साथ साथ उनकर मिलकर, और बाकी जो चीजें हैं, ये जो पर्सनल केमिस्ट्री की आप बात कर रही हैं, मोदी जी ने, जैसे आपके रिपोर्टर ने भी कहा, ओबामा के साथ भी उनकी बड़ी अच्छी यारी थी, और अगर बाइडेन आ जाते हैं तो बाइडेन के साथ भी यारी बनाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के लिए भारत पहले हैं,
और यू नो अमेरिका फर्स्ट उनकी नीति थी और जहां जहां पे हमारे तालमेल हो सकता था हमने किया, लेकिन अब हमारे लिए है कि भारत की जो इंटरेस्ट है उसे हमें बचाना है और उसके लिए पूरी तैयारी चल रही, प्लानिंग चल रही है एंड आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि भारत अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो नए आयाम छुएगी 2021 से। ठीक है त्रिगुनिया जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि आप धीरे धीरे प्रोग्रेशन में इस बहस में एक तीसरे मुल्क का नाम आया और वो है चीन। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नीचे चीन को लेकर अग्रेसिव हुआ, मुझे लगता है जिस तरह से खुलकर चीन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टैंड लिया, ह्यूवाई जैसी कंपनी का 5G का वहां पर ऑक्शन में बिडिंग में नहीं शामिल होने दिया, हिंदुस्तान का भी वो नजरिया रहा है, चीन को एक तरह से अलग थलग करना शायद डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की मुझे लगता है सबसे बड़ी बात कही जाएगी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर देखें तो। अब ऐसी परिस्थिति में बाइडेन वर्सेस ट्रंप ये जो भी फैसला आ जाएगा उसको आप कैसे काउंट करते हैं इंडिया चीन सबके नजरिए से? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो जो हमारे से पहले तीनों पैनलिस्ट ने बोला वो बिल्कुल सही बात है, हर एक पॉइंट बिल्कुल सही है। जहां तक रही बात चीन की, तो मैं समझता हूं कि ये जो है चाहे बाइडन हो चाहे ट्रंप हो, जहां तक चीन की एक तरह की बात है उसके लिए उनके अंदर एक ही चीज रहेगी, क्योंकि चीन जो है वो डायरेक्ट थ्रेट इंडिया को इतना नहीं करता है जितना ग्लोबल सुप्रीमेसी के लिए अमेरिका को करता है। तो उसके बारे में मैं समझता हूं कि दोनों के ही बीच में ये एक वो है, लेकिन हालांकि किस तरह कौन डील करेगा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का अनप्रेडिक्टेबल स्टाइल होता है, अभी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ब्लेम करते रहेंगे फुल टाइम, लेकिन आप देखिए वो बोलेंगे कि शी जिनपिंग जो है वो हमारे दोस्त हैं, दूसरा वो इंडिया चाइना के बीच में मीडिएट करने को तैयार हो जाते हैं, पाकिस्तान इंडिया के बीच में। सो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसने भारत की जो नीतियां हैं उसको भी एक तरह से एडजस्ट किया है पूरी तरह से। पर्सनल रिलेशनशिप अपार्ट, उन्होंने देख लिया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ कितनी उनकी पहुंच है, और आप सोचिए कि पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, हालांकि बाईपार्टिजन लोग कुछ उसको कुछ भी कह सकते हैं, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री भारत का जाकर के वहां पे जिसके साथ अमेरिकन राष्ट्रपति चारों तरफ घूमे स्टेडियम में, ये एक अजब तरह की एक साइट थी। तो मैं ये समझता हूँ कि उससे उनको ये तो पता लग गया कि क्या है, लेकिन जहां तक बात मैं ये बताऊं कि जो अमेरिकन इलेक्शन है उसमें इंडो यूएस रिलेशंस का कोई जिक्र नहीं है, ना उसकी कोई इंपॉर्टेंस के बारे में है, ना इंडियन जो अमेरिकन वहां पे हैं उनके लिए भी जो है, जो इंडियन अमेरिकन इंडियंस हैं उनके लिए भी जो है ये इतना बड़ा बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन हमारे जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप की बात है, मैं ये कहूंगा कि सिक्योरिटी और डिफेंस के सेक्टर में जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप की सरकार हमारे साथ पूरे पिछले 4 साल में खड़ी रही है और इंडिया को हमेशा सपोर्ट किया 17 के बाद से, खास तौर से चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, ओपनली अपने आप चाहे हमने मांगा भी नहीं उनसे फिर भी उन्होंने हमारे लिए ओपनली सपोर्ट किया है, ऐसा आज तक किसी अमेरिकन सरकार ने नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि बाइडन के लिए भी एक चुनौती रहेगी कि किस तरह से वो भारत को अपने साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ यहाँ तक ट्रेड की बात है, हम लोगों के बीच में अमेरिका हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन हमें ये फायदा उठाना है कि जो अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है, और ये ऐसा नहीं हो सकता, आप भी जानती हैं कि जब इस तरह की ये वो चाइना ये सोच रहा है कि ये इलेक्शन तक की बात है, ट्रंप अगर जीतता है तो दे विल टॉक टू देम टुगेदर, अगर वो बाइडन आते हैं तो उनको पता है कि दे विल स्टार्ट ट्रेड टॉक्स। तो ये चीज जो उनके बीच उसका लाभ हमें कितना मिल सकता है, हमारी इंडस्ट्री को कितना मिल सकता है, मैं इस बात को मानता हूं कि सबसे बड़ी चीज जो है वो नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अमेरिका के साथ इस वक्त मित्रता तो है ही हमारी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा ट्रेड और उसमें और हमें फेयर डील मिले हर चीज के अंदर। अगर हम अमेरिका के लिए अपना इतना बड़ा सामरिक मार्केट डिफेंस मार्केट खोला $20 बिलियन की डील दिया है, तो नेचुरली है क्योंकि अमेरिका में कनेक्टिकट से कैलिफोर्निया तक आप देखिए कि डिफेंस इंडस्ट्री उनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो डिक्टेट करती है फॉरेन पॉलिसी को, क्योंकि वो कंट्री जो है जहां तक मैं समझता हूँ एक तरह प्रेशर ग्रुप इंटरेस्ट ग्रुप के जरिए चलता है हर जगह। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट ग्रुप है, इंडिया कॉकस आज जो है व्हाइट हाउस में कांग्रेस में एट द हिल इज द बिगेस्ट कॉकस, और हमारी कम्युनिटी चाहे नंबर में छोटी हो 1% या कुछ वोटर्स हैं। और सोचिए आप यूएस में अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं और उस दिन अगर कोई इंडियन डिश पनीर टिक्का जैसी चीज ट्रेंड करती है तो ये पता चलता है कि किस तरह का असर है। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ।
ये जो काउंटिंग वाला मामला है, ये जो मेल बैलेट्स की काउंटिंग को लेकर, ये पूरा ट्रंप ने पहले से माहौल बना दिया है कि ये तो पूरी गड़बड़ी हुई है और रिग करने की कोशिश हो रही है, ये इंडिया का ईवीएम वाला मामला तो नहीं याद दिला रहा है आपको? देखिए, मैंने इसीलिए आपके डिबेट के आरंभ में ही कह दिया कि जो इंडियन इलेक्टोरेट सिस्टम है वो बहुत मैच्योर्ड सिस्टम है, और भले ही राहुल गांधी ईवीएम को गाली दें, भले ही इलेक्शन कमीशन को वो कुछ भी कहें, मगर हिंदुस्तान की जनता बहुत परिपक्व है। वो जानती है कि ईवीएम मशीन ठीक है, कहीं ना कहीं लीडरशिप की गलती है, मगर अमरीका का जो इलेक्टोरेट सिस्टम है, मुझे लगता है ये अभी हमें इंडिया में समझने में वक्त लगेगा। मैं इस पे टिप्पणी तो नहीं करूंगा, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इवॉल्व होना चाहिए था, किंतु इंडिया का सिस्टम मुझे ज्यादा इवॉल्व लगता है। आप एक उदाहरण ले लीजिए, वहां आप किसी भी राज्य में, आप उदाहरण के अर्थ पे गुजरात ले लीजिए, अगर गुजरात में 26 सीटें हैं और आधी सीटें कोई पार्टी जीत जाता है, आधी से एक सीट अधिक कोई पार्टी जीत जाती है, तो सारी 26 की 26 सीटें उसी की हो जाएंगी, उस पार्टी की हो जाएंगी। तो ये एक अलग तरीके का इलेक्टोरेट सिस्टम है, इसको अभी समझना पड़ेगा। बहरहाल हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, मैं अभी उस इलेक्टोरेट सिस्टम में नहीं जा रहा हूं। मैं दो तीन बातें कहूंगा। देखिए, एक फेमस कहावत है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनना होगा, जो मोदी जी ने कहा है, अपने आप को इतना बुलंद करना होगा कि हमें कभी भी जाचक की तरह खड़ा नहीं होना है, कटोरा लेकर कि वो हमें दे देगा, वो हम पर दया कर देगा, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो दूसरे हम पे भरोसा करेंगे, हम अपने हितों की रक्षा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी के साथ करेंगे, बिल्कुल नहीं। खुद ही को कर बुलंद इतना, अपने आप को इतना बुलंद करना है, अपने आप को इतना आत्मनिर्भर कर लेना है, अपने मैन्युफैक्चरिंग को इतना बढ़ा देना है कि दूसरों के पास कोई चारा नहीं रहे आपको सपोर्ट करने के बगैर। आज आप खुद बताइए, ओबामा जी ने भी मोदी का सपोर्ट किया, ट्रंप जी, ये मंत्र पीएम ने दिया है, ये मंत्र पीएम ने दिया है संबित जी, लेकिन पीएम ने ये मंत्र भी दिया था नमस्ते ट्रंप में कि अब की बार ट्रंप सरकार। ऐसे में क्या एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द, इसकी बहुत आलोचना भी हुई थी विपक्ष की तरफ से, सवाल ये उठता है कि अगर क्या कोई और राष्ट्रपति बन गया तो आप दांव पर उस रिश्ते को नहीं डाल रहे हैं जो विश्व के सबसे पुराने डेमोक्रेसी का, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ है? देखिए अंजना जी, किस परिपेक्ष में मोदी जी ने कहा था आपकी बात ट्रंप सरकार, आपको वो बाइक चलाना चाहिए। मोदी जी ने याद दिलाया था कि कहां तक भारत की संस्कृति ट्रंप और अमेरिका की राजनीति को इन्फ्लुएंस करती है, कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था आज से 4 साल पहले, उस समय ट्रंप जी ने मोदी जी के इस वाक्य को इस्तेमाल किया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो मोदी जी ने यह नहीं कहा था कि ट्रंप को वोट करना है या मैं ट्रंप के लिए कैंपेनिंग कर रहा हूं, उन्होंने उस समय की वाकयात को याद दिलाया था। मगर देखिए, मैं कह रहा हूं कि चलिए आज इंडिया, सपोज करिए इंडिया पूरे विश्व के सभी देशों में कहीं ना कहीं अब इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के कारण, और वहां के इलेक्टोरल प्रोसेस को चेंज कर सकता है। ये बात जो अगर कांग्रेस हमारे कंट्री में कह रही है तो गलत कह रही है, मगर ऐसा अगर सच भी है तो इसमें बुराई क्या है? मतलब इंडिया एक असर्टिव इंडिया है, इंडिया के लोग अच्छे लोग हैं, इंडिया के लोग मेहनतकश लोग हैं, इंडिया के लोग फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं। वो अगर अमेरिका में अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के कारण अपने हितों को सामने रख पा रहे हैं, बार्गेनिंग पावर उनके पास है, तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। मोदी जी ने किसी के लिए कैंपेनिंग नहीं की, मगर मैं इसमें पॉलिटिकल फुट भी देना चाहूंगा। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी सर कि अब की बार अगर बाइडेन सरकार बन गई तब क्या होगा, तब ये कैसे हैंडल होगा? तब भी डंडनाडन होगा, उसमें क्या है, ऐसे भी डंडनाडन वैसे भी डंडनाडन। भैया, जब हमारे मोदी जी को सब लोग इतना प्यार करते हैं, चाहे ट्रंप जी हो चाहे बाइडेन जी हो, हम तो आगे ही बढ़ेंगे। क्योंकि अंजना जी, आप बिहार में, इसलिए मैंने डंडनाडन कहा, वहां बहुत चलता है ना ये वाला जो फ्रेज है डंडनाडन डन, तो मैंने इसलिए कहा कि चाहे ट्रंप हो चाहे बाइडेन हो, जब ओबामा जी के साथ भी मोदी जी इंटरेक्ट करते थे, उनको मेरा दोस्त ओबामा कहते थे, और ओबामा जी मोदी जी के लिए कहते थे ही इज मैन ऑफ एक्शन, ही इज मैन ऑफ एक्शन, ही इज अ हीरो।
और ट्रंप क्या कहते थे, ट्रंप कहते थे माई फ्रेंड इन इंडिया, माई फ्रेंड इन वर्ल्ड मिस्टर नरेंद्र मोदी, और मोदी जी कहते थे हियर आई इंट्रोड्यूस टू अमेरिका द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ऐसा कभी विश्व में नहीं हुआ कि उनके देश में जाके हमारे राष्ट्राध्यक्ष जो हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए ये मोदी जी के पर्सनैलिटी का करिश्मा है कि आज ट्रंप जी के लिए इंडिया में प्रार्थनाएं हो रही हैं, ट्रंप जी के लिए हवन हो रहा है, मोदी जी तो तटस्थ होकर खड़े हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के नाते तटस्थ खड़े हैं, किंतु लोग ये प्रार्थना सभाएं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है अच्छा ये तो मोदी का दोस्त है। देखिए आज पूरा विश्व मोदी का दोस्त है। मिस्टर चौलिया आपके पास एक बार आना चाहती हूँ, देखिए उसके बाद संबित मैं फौरन आपके पास आऊंगी। संबित जी, चौलिया साहब, बाइडेन की सरकार, ट्रंप की सरकार, अभी तो तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन सवाल वही है कि हिंदुस्तान के नजरिए से आप बता रहे हैं कि फायदा हो सकता है, दोनों ही राष्ट्रपति जो भी बने वो करेगा, लेकिन ट्रंप के साथ पिछले दिनों में उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो थी वो एक बहुत बड़ी परेशानी बनी थी। एक बार जरा आप रुकिएगा, मैं आपके से भी रिएक्शन लेने से पहले जरा दोनों तरफ से जो जीत के दावे हुए हैं, बाइडेन साहब ने भी कहा है कि जीत हमारी होने वाली है, ट्रंप साहब ने लेकिन कहा है कि घपला हो रहा है, उसकी हम पोल खोलेंगे। पहले सुना देते हैं दोनों के दावे, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। If you look and you see Arizona, we have a lot of life in that. And somebody said, somebody declared that it was a victory for, and maybe it will be. I mean, that's possible. But certainly there were a lot of votes out there that we could get because we're now just coming into what they call Trump territory. I don't know what you call it, but these were friendly Trump voters. And that could be overturned. The gentleman that called it, I watched tonight, he said, well, we think it's fairly unlikely that he could catch. Well, fairly unlikely. And we don't even need it. We don't need that. That was just a state that if we would have gotten it, it would have been nice, Arizona. But there's a possibility, maybe even a good possibility. In fact, since I saw that originally, it's been changed and the numbers have substantially come down just in a small amount of votes. So we want that obviously to stay in play. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround. We also just called it for Minnesota, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. And we're feeling real good about Wisconsin and Michigan. And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. I'm talking to folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. सवाल सीधा आपसे है मिस्टर चौलिया, और वो ये है कि क्या अब की बार अगर बाइडेन सरकार बन जाए तो एक जो वो ट्रंप सरकार, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप में बड़े पैमाने पर जब उस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे थे और एक तरह से ये साफ था कि चुनावों में उनका साथ दे रहे, ऐसे में ट्रंप के बनने से बड़ा ये का मामला होता और बाइडेन के बनने से एम्बैरेसिंग होगा, क्या ये बोलना उचित होगा? नहीं नहीं अंजना जी, ऐसा है कि जो बाइडेन भी एक व्यवहारिक राजनीतिक हैं, वो प्रैक्टिकल सोचेंगे, उन्हें मालूम है, उनके जो एडवाइजर्स होंगे, सलाहकार होंगे, वो सभी यही कहेंगे कि भारत के बगैर विश्व में अमेरिका का कोई किरदार ही नहीं रहेगा, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो उस बात का बुरा मानेंगे, बल्कि आप देखेंगे कि जब आखिरी जो नतीजों के बाद अभी भी इंडियन अमेरिकन हमारी जो कम्युनिटी है वहां पर मेजॉरिटी ने अभी भी डेमोक्रेट्स को ही वोट डाले होंगे, तो ऐसा देखना मेरे ख्याल, देखिए ऐसा है कि विदेश नीति में कोई पीछे नहीं हटकर देखता है, हिस्ट्री और यू नो पुरानी जो रंजिशें हैं उनके आधार पर नीति नहीं करते। आप देखिए नया दशक शुरू हो गया है और ये जो दशक है जिसमें भविष्यवाणी है कि चीन अमरीका को पछाड़ देगा हर क्षेत्र में, तो अमेरिका काफी सहमा हुआ इस वजह से, और इसीलिए बाइडेन जो है मेरे ख्याल से जरूर हाथ थामेंगे मोदी जी का,
और पुरानी, अब देखिए हम और भी नए इवेंट कर पाएंगे। आप देखिए एक तरह से हमें चाणक्य नीति अपनानी चाहिए। चाणक्य नीति क्या कहती है कि राष्ट्रहित में अगर पोजीशन बदलनी है तो बदलेंगे, हम समय के साथ साथ चलते हैं। तो मुझे लग रहा है 2021 अगर आती है और बाइडन अगर प्रेसिडेंट होते हैं तो उनके साथ भी हम तालमेल बढ़ाएंगे और नए सिरे से, क्योंकि जो 2016 तक की जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी पहले की, उस वो जमाना ही निकल गया। पिछले 4 सालों में ट्रंप अमेरिका और विश्व को एक दूसरी शोर पर लेके आए हैं, तो इसलिए हमें एक नए सिरे से आरंभ करना होगा। लेकिन कई कंटिन्यूटीज होंगी उस तब की, और इवन ट्रंप के समय के भी कई कंटिन्यूटीज होंगी, जैसे 2+2 हमारी डायलॉग है यूएसए के साथ, क्वाड है ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका और भारत की। बिल्कुल, ये सब आपके पास आना चाहती हूँ। दोनों किरदारों को जबरदस्त सामने रखे, दोनों किरदारों को जरा सामने रखते हैं, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और एक तरफ जो बाइडेन। अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जैसे ही आप बात करेंगे तो सबसे पहली बात आती है उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। आपको पता नहीं होता है कब वो क्या कह देंगे, कब कहेंगे न्यूक्लियर बटन मेरे टेबल के नीचे है, कब कह देंगे नहीं शी जिनपिंग दोस्त हैं, कब वो भारत की हवा को लेकर कोई टिप्पणी कर देंगे, कब उनके बेटे कोई गलत मैप ट्वीट कर देंगे। और ये तो इंडिया के नजरिए से हुआ, अब बाकी भी देखें तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इस बात के लिए जाने गए, कई मुल्कों में लेकर उन्होंने डिप्लोमेटिकली भी कई बार कुछ गलतियां की, ब्लंडर्स किए। डोनाल्ड ट्रंप इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि अपनी ही मीडिया को वो कहते हैं कि यू आर द एनिमी ऑफ द कंट्री, आप देश के दुश्मन है, तो मीडिया से उनके साथ जबरदस्त टकराव रहता है। अब चीन को लेकर उनका स्टैंड, और अभी से ही एक जो खास तौर पर उनके सपोर्टर्स हैं वो एक ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं कि ये चीन के हस्तक्षेप, ये यहां की मीडिया की वजह से और जो घपला हो रहा है उसकी वजह से ट्रंप पीछे हट रहे हैं, तो ये एक नैरेटिव इधर बन रहा है। बाइडेन को लेकर उनका अपना एक इतिहास, पहले वाइस प्रेसिडेंट का, और उसके बाद से ये माना जा रहा है कि उनकी भी जो नीतियां हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा इलाकों में लोग खुश नहीं थे। ऐसा नहीं था कि जितने भी लैटिन ट्रंप से खुश नहीं थे वो सारे बाइडेन के लिए वोट कर देंगे। ब्लैक लाइव्स मैटर को भी लेकर एक पूरी तस्वीर बनी। इन दोनों, ये पूरा बैकग्राउंड मैंने इसीलिए दिया कि जब आप इन दोनों किरदारों को देखते हैं तो एक अमेरिका जैसे मुल्क के लिए एक ऐसी शख्सियत जो परिस्थितियों पर नियंत्रण रखे, ये समझे कि विश्व में जिस तरह से अभी परिस्थितियां बनी है पैंडेमिक के बाद, पैंडेमिक के पहले भी कई इंपॉर्टेंट इश्यूज पर, वो एक स्थिरता है, वो किसकी शख्सियत में देखते हैं? देखिए अंजना जी, जो वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन है वो एक बड़े मझे हुए पॉलिटिशियन है और उनको फॉरेन पॉलिसी का काफी अच्छा खासा अनुभव है, और उनकी जो अप्रोच है वो ये है कि किस तरह से डायलॉग और डिस्कशन के थ्रू वो बातें बनाई जाए। ऑब्जेक्टिव दोनों के सेम है, चाहे वो ईरान के खिलाफ हो, चीन के खिलाफ हो, रूस के खिलाफ हो, या किसी के, या इंडिया से दोस्ती करने के बारे में हो, क्योंकि सबसे पहले चाहे देखिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो उन्होंने अगेन अगेन कर दिया, मागा और अमेरिका फर्स्ट, लाइक फॉर अस इंडिया फर्स्ट, तो हर एक मुल्क के लिए अपना देश सबसे पहले सर्वोपरि होता है। लेकिन जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो मैं ये समझता हूं कि वो नेचुरली है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको ज्यादा अनुभव है इस बात में। लेकिन ट्रंप की जो पॉलिसीज थी जिन्होंने उनको जितने वोट, अब लोग पहली बार शायद 60 लाख वोट मिले थे, इस बार उनको 66 लाख मिल गए ऑलरेडी। और वो क्यों? क्योंकि उनका एक ही चीज है कि जो एज ए पॉलिटिशियन, राइट और रॉन्ग, जो भी उनने प्रॉमिस किया, चाहे वो वॉल बनाने के बारे में हो, चाहे इमिग्रेशन के बारे में हो, चाहे किसी के बारे में, कोई कुछ भी कहता रहे, उनने उसको कोशिश किया कि उस चीज को खत्म कर दें वो। तो ही इज बेसिकली काउंटिंग ऑन हिज इकोनॉमी के बारे में, कंपनीज को वापस अमरीका में लाने के बारे में, टैक्सेस को नीचे करने के, तो ये मेजर इशूज वहां के लिए हैं। रही बात फॉरन पॉलिसी की, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आज अगर आप देखें तो हो सकता है कि चीन और ईरान ये चाहते हों मन मन में कि भाई ट्रंप आ जाए, और वो कोशिश भी कर रहे हों। बीच में आपने एक बार डिस्कस किया था कि भारत ने कोशिश करी इंटरवीन करने की या उनके ट्रंप के फेवर में, तो मैं आपको ये कहूं कि ये एक जो पॉलिटिक्स है, ये रियलिटी में हर एक देश कोशिश करता है कि दूसरे देश में जो उसके इंटरेस्ट का है, और अमेरिका सबके इंटरेस्ट का है, लेट मी टेल यू दिस, तो वहां पे एक ऐसी सरकार आए जो उसके साथ में अच्छे संबंध बन सके, तो ये कोशिश जारी है वहां पे।
तो अगर आपकी बात का सीधा सा सवाल यह है कि एक्सपीरियंस रहती है डॉक्टर साहब ने पात्रा, एक आखिरी सवाल आपसे लेते हुए डॉक्टर पात्रा जी, वक्त की कमी है सर आपको टोक रही है डॉक्टर पात्रा, अल्टीमेटली सवाल एक ये लेते हुए, देखिए मुझे याद है पिछली बार भी जब नतीजे आने वाले थे अमेरिका के, तो मुझे याद है आप नहीं थे और हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती थी, प्रवक्ता बीजेपी के डॉक्टर संबित पात्रा 6 बजे हल्ला बोल में क्यों नहीं मिल रहे हैं हम लोग, तो अच्छी तरह से याद है, आपने उस चुनाव को देखा है, इस चुनाव को आप यहां से फॉलो कर रहे हैं और जो तस्वीर उभर रही है उस सब पर पूरे देश की नजर है, जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से कि हिंदुस्तान अमेरिका के नतीजों को किस तरह से देख रहा है, मामला अगर कोर्ट तक जाता है जिसके आसार दिख रहे हैं अब फाइनल स्टेजेस में, तो किस तरह का इंडिया का स्टैंड रहेगा? देखिए इंडिया का स्टैंड तो उसमें कुछ नहीं रहेगा क्योंकि हम तो उनके इंटरनल पॉलिसीज में कभी दखल देंगे नहीं, वो उनका विषय है, उनके लोकतंत्र का विषय है, मगर याद रखिए एक पॉइंट को हमने अभी डिबेट में टच नहीं किया है और वो पॉइंट है आतंकवाद का। अभी फ्रांस में जो हुआ, ऑस्ट्रिया में जो हुआ और मोदी जी ने जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उसमें आतंकवाद को लेकर जो एक निर्णायक भूमिका लीडरशिप की निभाई है, इसलिए आने वाले समय में इंडिया और अमेरिका टेररिज्म को वाइपआउट करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसलिए वहां अच्छी लीडरशिप रहे यह आवश्यक है। अंत में मैं, आपने वहां के मीडिया के बारे में कहा तो मैं एक लोगों को मुस्कुराते हुए ही भेजना चाहता हूं घर कि देखिए यहां तो हम लुटियंस मीडिया की बात करते हैं, वहां लुटियंस के पिताजी बैठे हुए हैं, वो तो दिखा रहे थे कि 10-12% का फर्क है। आप बताइए, अभी मैं तो देख रहा था, फॉलो कर रहा था, वो दिखा रहे थे दोनों कैंडिडेट के बीच में 10-12% का फर्क है, टेक्सास भी चला गया, फ्लोरिडा भी चला गया, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया, ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो ये हमारे यहां लुटियंस है, वहां लुटियंस के पिताजी हैं। मगर ऑल सेड एंड डन, इंडिया जैसी सुंदर डेमोक्रेसी, इंडिया जैसे परिपक्व लोग, और कभी भी कोई जीते कोई हारे, यहां के नेता जाके दूसरे नेताओं के घर पे अटैक नहीं करते हैं। पिछली बार में चुनाव में न्यूयॉर्क सिटी में था जब हार हो गई थी और जीत हो गई थी ट्रंप की, तो मुझे याद है लोग उनके ट्रंप टावर पे धावा बोल गए थे। ये इंडिया में कभी नहीं होता है, ये इसके लिए इंडिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये हिंदुस्तान में नहीं होता है। ठीक है, मुझे लगता है इसी के साथ इस चर्चा का अंत करेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान की नजर है, नजर आज तक की भी है। देखिए बाइडेन आगे जरूर है लेकिन अभी भी नतीजे पूरी तरह से आए नहीं है, कुछ स्टेट्स पर इंतजार करना होगा। देखते रहिए आज तक।